सबसे पहले हैंड को सैनिटाइज करना है और हम ये अब फॉर्मल इवेल्यूएशन एक कर रहे हैं बेबी की, इसको रूटीन केयर रूटीन इवेल्यूएशन ऑफ ए न्यू बॉर्न। मैंने इसको एक्सपोज किया है, ये आज ही डिलीवर हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। बुम्बिलिकल कॉर्ड इसकी क्लैंप ही हुई है और इसकी कॉर्ड की एज से ही मुझे पता चल रहा है कि ये जस्ट अभी डिलीवर हुआ है। ओवरऑल लुक देख रहा हूँ इसकी, बेबी जो है ना थोड़ा सा टिकटनिक लग रहा है और एक्टिविटी अच्छी है, पिंक है, अ लिटल बिट ब्लूइश इट इज़। ये जो ब्लूइश है थोड़ा सा नीला है, ये कोल्ड की वजह, कोल्डनेस, मौसम ठंडा है तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप इसको देखते हैं। ये भी सेंट्रल पिंक है लेकिन टेकिपनिक है। अब मैंने इसको एक्सपोज किया है तो अपॉर्चुनिस्टिक एग्जामिनेशन एग्जामिन करने लगा हूँ इसकी हार्ट। हार्ट साउंड नॉर्मल है। अब इसकी मैं देखूंगा एयर एंट्री, एयर एंट्री इधर भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। मौसम थोड़ा ठंडा है तो मैं इसको थोड़ा करूँगा कवर। अब मैं करूँगा इसका हेड एग्जामिन, स्कैल्प ठीक है, एयर इंटैक्ट है। इसको मैं कर देता हूँ दोबारा। इसके बाद आ जाती है आइस, ठीक है। बाद आ जाते हैं इसका माउथ, माउथ में अब मैं इसको थोड़ा सा करवाऊंगा कराई। आज इसको मैं देखूंगा पैलेट, कराई अच्छी है, पैलेट ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है इसकी बैक, वर्निक्स लगी हुई है, वर्निक्स इज अ प्रोटेक्टिव लेयर तो ये बच्चे को हाइपोथर्मिया से वैसे बचाती है। इसके बाद मैं इसको देखूंगा जेनिटेलिया, मेल बेबी है। इसके बाद मैं देखूंगा इसका एनेक्स, पेटेंट है। अब ओवरऑल जो बेबी है वो ठीक है लेकिन थोड़ा सा टिकटनिक है और इंटरमिटेंट कर रहे हैं मून। अब इसके ये हाइपोथर्मिया की वजह से हो सकता है। इस बेबी को हम करेंगे वार्म और थोड़ी देर रखेंगे ऑब्जर्वेशन में और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको देंगे ऑक्सीजन। होपफुली विद इन हाफ आवर वन आवर बेबी स्टेबल हो जाएगा, हम इसको पेरेंट्स के हवाले करेंगे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू।